मेरा नाम है सुनीता किन्नर, गुरु का नाम है मेरे मीना किन्नर। छरेटे पुल से लेके नानों की नहर तक मेरा इलाका है। और अशोक और क्या नाम है? ओम। ये दोनों बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं। हमारे इलाके में जाते बोलते सुनीता मौसी ख़त्म हो गई हैं, सुनीता मौसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें बधाई दे दो। जे हमारे जजमान को सबको परेशान करते, किसी से 5,000 लाते झूठ बोल के, किसी से 11,000 लाते, किसी से कुछ लाते। हमें धमकी देते हैं कि गौ माता कटवा के तुम्हारे दरवाजे पर काट दूंगी, डाल दूंगी और तुम्हें झूठे केस में फंसवाऊंगी। और हम कोई अपने उसके संग में 4-5 और हैं, वो कह रहे हैं हम लिंक कटवा के सुनीता जी तुम्हारा नाम लेंगे, नहीं तो मुझे मांगने खाने का इलाका दो। अब बता बाबू जी, हमारे चे नाती ने कैसे छोड़ के नहीं इलाका दे दूंगी आदमियों को, जो हमें बहुत दुखी कर रहे हैं। देख 1.5 साल हो गई, ये इलाका मेरा कहीं भी नहीं छोड़ ले। कौन लोग हैं? एक का नाम है ओम और एक का नाम है अशोक। नकली किन्नर? हाँ, ये नकली किन्नर है, लोग हैं, बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं आदमी है। एक के तो 3 बच्चे हैं अशोक के, उसके अभी शादी हुई, 1 साल हुई है ओम की। जे अपने साहब हमें परेशान करते, जो हमारे चेह नाते बताओ जी कहाँ जाएंगे। आज आप लोग किधर आए हुए? हम आप लोग आज SSP साहब की तरफ अपने शिकायत लेके आए हैं कि जे किन्नर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत धमकियां दे रहे, तेजाब डालने की, कहीं लिंक काटने की, कहीं कैसे, सब लौंडे अच्छे भले। हम असली किन्नर हैं सब, वो तो सब लड़के हैं। हमारे सबको चेक कर लीजिए, जितने हैं सब मेरे असली बच्चे हैं। हम नकली किन्नरों का हमारे तरफ कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, अजय साहब मुझे बहुत। मैं हूँ आरती किन्नर, सन ऑफ मीना किन्नर। मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। और कुछ लोग नकली जेंट्स हैं, वो हिजड़ा बनके बसें मांगते हैं, रेलें मांगते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक वारदात भी की है, ट्रेन मांगते मांगते एक जेंट्स को ट्रेन में से फेंक दिया था, उसकी डेथ हो गई थी। उनके नाम मुकदमा दर्ज भी कराया हुआ है, पहले भी वो जेल काट चुके हैं। अब वो लोग हम सारे शहर वालों को परेशान कर रहे हैं। हम गद्दीदार हिजड़े हैं, हमारी पुरखों से परम्परा चली आ रही है कि जब गुरुओं की डेथ हो जाती है तो चेले पे गद्दी आती है, जब चेले की डेथ होती है तो उसके चेले पे गद्दी आती है। तो हमारी यही परंपरा एक बुजुर्गों से चली आ रही है, हम गद्दीदार ही जड़े हैं। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, आए दिन हमें धमकियां देते हैं कि तुम हमें टुकड़ा दे दो मांगने को, हमें थोड़ी सी गली दे दो मांगने को। हम कहां से दे दें बाबू जी, हमें बताइए। हम तो इन लोगों से बहुत परेशान हैं, इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। 2 जेंट्स हैं, जिसका नाम ओम है और एक का नाम अशोक है। ये 2 मुड्ढ हैं और इनके अन्य साथी हैं, 10-12 लोग इनके साथ रहते हैं। और ये आए दिन हमें धमकी देते हैं, मुझे, मेरे गुरु को और मेरे साथियों को, सबको धमकी देते हैं कि हम अपना लिंग परिवर्तन करवा के तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और तुम्हें बंद करवा देंगे, तुम्हारे दरवाज़ों पर गाय कटवा के डलवा देंगे, तुम्हें इस तरह से हम झूठे मुकदमे लगा के बंद करवा देंगे, फिर हम गली मांगेंगे, हम मौज उड़ाएँगे। आज मैं SSP सिटी ऑफिस के यहाँ आई हूँ, इन्हों से मैंने दरख्वास्त की है कि ये इन लोगों की कार्रवाई करें, हमें इंसाफ दें। मैं यही चाहती हूँ अपनी सरकार से, अपने पुलिस वालों से, अपने शहर के जजवान से, इन्हें कोई बधाई ना दे। और हमारे संग बहुत बहुत अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को SP3 साहब ने कहा है कि आपकी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो भी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं उन्हें पकड़ के बंद किया जाएगा। यहाँ पर शहर में और नकली कितने घूम रहे हैं? नकली तो बस मांगते हैं, बहुत हैं यहाँ पे। अब मैं किस किस का नाम गिनाऊं? वो तो लड़के हैं, अच्छे खासे, शादी शुदा हैं, कपड़े पहन लेते हैं, बसें मांगते हैं, बीबी बच्चे वाले इंसान हैं। हम शहर में 6 गद्दीदार हिजड़े हैं, जो गद्दी के मालिक हैं 6 लोग हैं और हमारे चेले और ये सब फिर इनके चेले नातियां हैं। मालिक 6 हैं अलीगढ़ के अंदर गद्दीदार। हम सभी लोगों से बहुत हम बहुत परेशान हैं, सरकार से, पुलिस वालों से, हमारे प्रशासन से, हाथ जोड़ के प्रशासन से गुहार है कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारी जान माल का खतरा है, इन लोगों से हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। इन 2 हिजड़ों से हमें हर चीज, ये 2 हिजड़े हैं, हिजड़े नहीं है, ये लड़के हैं, ये नकली लड़के हैं। ये जिजवान ने मुझे फोटो दिया है कि ये बधाई लेने आए थे, मैंने फोटो मांगा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने कैमरे में से निकाल के देता हूँ। उन्होंने ये फोटो दिया था जो मैं मांग